प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों से डायरेक्ट बातचीत की तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा। और हमारे साथ वो बच्चे हैं, वो छात्र हैं जिन्होंने बड़ी बेबाकी से प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, उनका गाइडेंस लिया। खुशी है हमारे साथ। पहला सवाल खुशी आपने पूछा था आज प्रधानमंत्री से, एक तो पहला जो जवाब सवाल पूछा उसे सैटिस्फैक्ट्री जवाब मिला आप लोग आपको, या लगता है थोड़ा कुछ रहा? नहीं नहीं, जो प्रधानमंत्री ने जिस तरह मेरे सवाल का आंसर दिया मैं उससे पूरी संतुष्ट हूँ। मुझे मोटिवेशन मिली है और मैं बेहतर करूँगी। आप लोगों का क्या सवाल था और क्या गाइडेंस मिला आज प्रधानमंत्री से? सवाल ये था कि मतलब हम 2 सालों से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, फिर बच्चे मतलब पढ़ाई को छोड़ के और मतलब रील्स हो गए या जैसे गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग खेलने में मतलब ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, तो मतलब इससे कैसे बचे? एडिक्शन बहुत हो गई थी उनकी। क्या नाम है आपका? साहिद अली। दिल्ली के ही रहने वाले हैं जी? दिल्ली। ये सवाल कई बार उठ के आया कि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, गेमिंग एडिक्शन हो रहा है, तो उससे कैसे बचे? और प्रधानमंत्री ने बड़ा डिटेल्ड जवाब दिया था। हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं जिनके सवाल पे पीएम ने बहुत एक जोक भी क्रैक किया और टीचर्स और अभिभावकों को थोड़ी नसीहत दी। क्या नाम है आपका और सवाल क्या था? मेरा नाम रोशनी है। सवाल ये था, आई वंडर इफ स्टूडेंट्स आर स्केयर्ड मोर ऑफ एग्जाम्स और ऑफ देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो हमें पेरेंट्स से ज़्यादा डर लगता है या एग्जाम से? तो प्रेशर की कभी कभार हो जाता है। कुछ पेरेंट्स होते हैं, जैसे मेरे फादर है, ये मेरे फादर तो ऐसे हैं नहीं बिल्कुल, पर कुछ पेरेंट्स होते हैं कि स्टूडेंट या अपने चिल्ड्रंस को कहते हैं कि पेपर आ रहे हैं पेपर आ रहे हैं, उन पे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं और उन्हें टेंशन दे देते हैं एकदम से। तो इसलिए कि हमें पेरेंट्स से ज़्यादा डर लगता है या टीचर से या पेपर से। आप रोशनी के पिता हैं, आपकी बेटी ने सीधा सवाल आज प्रधानमंत्री से किया और अभिभावकों को ही एक तरह से आज टीचिंग मिल गई, लेसन मिल गया, इसको लेके क्या कुछ आप सीख के जा रहे हैं यहाँ से? बिल्कुल सीख के जा रहे हैं कि किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों पे जो है ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए और बच्चों के ये जिस तरीके से जैसा जो करना चाहता है उसको उसी तरीके से करने दें। से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी बेबाकी से सवाल पूछे और रोशनी जैसे भी छात्र उसमें इंक्लूडेड थे जिन्होंने ये ऐसे सवाल पूछे जिससे प्रधानमंत्री ने टीचर्स और अभिभावकों को भी नसीहत दी कि बच्चों पे दबाव ना डालें, उन्हें वो करने दे जो सपना वो देखते हैं, जिस विषय में उनका मन लगता है, ध्यान लगता है। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक दास के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।